पूर्वांचल के सतत विकास के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय वेबिनार व सेमिनार के उद्घाटन समारोह के अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन लगभग 2 वर्ष पूर्व किया गया था। पूर्वांचल विकास बोर्ड का 28 जिले और 8 मंडलों में कार्य क्षेत्र है। निश्चित रूप से वेबिनार सेमिनार के माध्यम से जो 3 दिवसीय गोष्ठी है उसके माध्यम से बेहतर आयाम स्थापित होंगे। बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कहा कि बोर्ड के सभी सदस्य मुख्यमंत्री के परामर्श के साथ सभी कार्यों और अपने दायित्वों को क्रियान्वित करेंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित ही यह वेबिनार पूर्वांचल के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वांचल बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कहा, नरेंद्र सिंह पूर्वांचल विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष। पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन लगभग 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। 28 जिले और 8 मंडलों में इसका कार्य क्षेत्र है और निश्चित रूप से इस वेबिनार सेमिनार के माध्यम से जो 3 दिवसीय गोष्ठी है उसके माध्यम से और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से विकसित किया जा रहा है। एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं और भी संसाधनों की उन्होंने चर्चा की है। उसको सुचारू रूप से और ईमानदारी से परिश्रम के साथ उसको आगे बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। बोर्ड के सारे मेंबर्स माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि एक परामर्शी संस्था है बोर्ड और वो परामर्श देगी, सरकार उसके बारे में विचार करेगी और फिर आगे बढ़ेगी।